आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, अपना नेक्स्ट यूनिट, और इस यूनिट का नाम है क्या, प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन, ये टॉपिक आपने पहले भी स्कूलिंग में किया है, लेकिन अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा एडवांस लेवल पे नई नई चीजों के साथ समझने जा रहे हैं। ठीक है, इस पूरे टॉपिक के दौरान, इस पूरे यूनिट के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आने वाले टॉपिक, चाहे वो कॉस्ट हो चाहे वो मार्केट हो, वो कंप्लीटली इस टॉपिक पर डिपेंड होंगे, इस चैप्टर पर डिपेंड होंगे। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए, कोई भी क्वेरी है उनका सॉल्यूशन रेगुलर बेसिस पर आपको पता लगाना है, उसके बारे में कंफर्मेशन लेनी है। ओके, तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमने ये चीज तो क्लियर कर ली कि आने वाले दोनों टॉपिक, कॉस्ट वाला टॉपिक भी और मार्केट वाला टॉपिक भी, दोनों इससे कोरिलेटेड हैं, तो आप समझ जाएंगे कि इस टॉपिक की अहमियत बहुत ज्यादा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक आपको सबसे अच्छे तरीके से आना चाहिए और एग्जाम में भी इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो नाउ अब शुरू करते हैं टॉपिक प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन टॉपिक शुरू करते ही सबसे पहला क्वेश्चन क्या राइज होगा, आप समझ सकते हैं कि भाई प्रोडक्शन होता क्या है। ओके, प्रोडक्शन होता क्या है, तो बताइए दोस्तों क्या होता है प्रोडक्शन, व्हाट इज द टर्म प्रोडक्शन मींस। ओके, देखो जब भी प्रोडक्शन हमारे माइंड में आता है तो इमीडिएटली हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि चीजों को बनाना। ओके, चीजों को क्रिएट करना, प्रोडक्शन करना गुड्स का। ओके, मैन्युफैक्चरिंग, ये वर्ड्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज प्रोडक्शन मींस, पहले तो प्रोडक्शन को हम रिलेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ। किसके साथ? मैन्युफैक्चरिंग के साथ। तो दोस्तों ये क्या है सर, ये है प्रोडक्शन। ओके, ये क्या है, प्रोडक्शन। और अगर मैं बात करूं तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वो पार्ट होता है किसका, प्रोडक्शन का। है, ध्यान दें भाई, पूरा जो एरिया है, जो बड़ा सर्कल है, वो इंडिकेट कर रहा है किसको, प्रोडक्शन को, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसका पार्ट है। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होती है गुड्स के प्रोडक्शन से। ओके, गुड्स के प्रोडक्शन से, विजिबल जो दिखाई देता है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो सर्विसेज का भी होता है। जैसे ये एक कोरिलेशन है हमारे बीच में, हमारे यहां पे जो सर्विस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ये भी क्या है, ये भी प्रोडक्शन का एक पार्ट होता है। ओके, तो खाली ये बोलना कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है क्या सर, उसका मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन ये आधा ठीक है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, वो गुड्स से रिलेटेड है और सर्विसेज का ही प्रोडक्शन होता है। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये पूरी डेफिनेशन कवर होगी, नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग। ओके सर, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, इसको तो हटा देते हैं, इसकी शायद जरूरत नहीं है। ठीक है सर, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो आइए प्रोडक्शन की डेफिनेशन समझते हैं। द टर्म प्रोडक्शन मींस के प्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज प्रोडक्शन मींस। सो प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। ओके, प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर छोटी डेफिनेशन होगी बिल्कुल, इसको हम इन डिटेल अभी समझेंगे। क्रिएशन वर्ड आया और यूटिलिटी वर्ड आया, क्रिएशन वर्ड जुड़ा हुआ है किससे, प्रोड्यूसर से, किससे, प्रोड्यूसर से, और जो वर्ड है यूटिलिटी वो जुड़ा हुआ है किससे, कंज्यूमर से। सर यहां पर कंज्यूमर कहां से आ गया, हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें प्रोड्यूसर पे फोकस रखना चाहिए था, कंज्यूमर कहां से आ गया। देखो दोस्तों समझो, अगर आप किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं, आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, आप सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप जानते हैं कि मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट है, लोग हैं जो इन चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं, जो लोग इन चीजों को परचेज करना चाहते हैं, तभी तो आप प्रोड्यूस करोगे ना भाई। मार्केट में हालात क्या है, मार्केट में डिमांड किस चीज की है, उसके अकॉर्डिंगली आप गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, सर्विसेज का प्रोडक्शन करोगे। ओके, तो यूटिलिटीज का मतलब क्या हुआ कि भाई ये कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट है, ये कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट है, और उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये क्रिएशन कौन करेंगे, ये प्रोड्यूसर करेंगे, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन। ओके, सो बेसिकली प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर को जो चाहिए उसे क्रिएट करना, मार्केट में अवेलेबल करवाना, और ऑब्वियसली अगर अवेलेबल कराएंगे तभी कंज्यूमर्स की जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई होंगी। सो इन शॉर्ट द टर्म प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। व्हाट, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखें, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ
थोड़ी सी भी इसको हम वास्ट करेंगे डेफिनेशन को. ओके, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटीज. ठीक है, क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटीज, इतना काफी है. यहां पर मैंने एक इकोनॉमिक वर्ड और ऐड करा डेफिनेशन में. इकोनॉमिक टर्म जो है वो प्रेजेंट करती है किसको, मॉनेटरी को, मनी को. कि भाई सीधी सी बात है, जो भी कुछ हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसकी इवैल्यूएशन हम मनी के टर्म्स में कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इकोनॉमिक यूटिलिटीज. इकोनॉमिक नहीं भी लिखोगे, यूटिलिटीज लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको पता है इन डिटेल कि प्रोडक्शन की जो वैल्यूज है मनी के टर्म में, तो इकोनॉमिक यूटिलिटीज कहना बेटर होता है. ठीक है, और रही बात किसकी, प्रोसेस की. प्रोसेस कहां से लेकर कहां तक, क्रिएशन टू सेटिस्फाइंग वॉन्ट्स. ओके, क्रिएशन टू सेटिस्फाइंग वॉन्ट्स. प्रोसेस मतलब ये नहीं गुड्स बन गए प्रोडक्शन पूरा हो गया, नहीं, प्रोडक्शन का प्रोसेस आगे भी चलता रहता है. ठीक है, वो कब तक चलता है, जब तक कंज्यूमर अपनी वॉन्ट को सेटिस्फाई ना कर ले. ओके, वो आपका पूरा प्रोसेस प्रोडक्शन में कहा जाएगा. ओके, तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, खत्म कर दिया टर्म. प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन का मतलब है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. ओके, यूटिलिटी किसके लिए, कंज्यूमर के लिए. क्रिएशन कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा. क्रिएट हुई, कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, उनकी वॉन्ट सेटिस्फाई हुई, ये पूरा प्रोसेस प्रोडक्शन के अंदर आता है. ओके, समझ आ गया. नाउ नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं. अब सर, प्रोडक्शन होता कितने तरीके से है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं. देखो, प्रोडक्शन के प्रोसेस को जैसे कि अभी हमने क्लासिफाई करा कि खाली मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रोडक्शन नहीं कह सकते. ओके, कई सारे, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो प्रोडक्शन के अंदर कवर होते हैं. ठीक है, तो वो कौन कौन से आपके कंसेप्ट हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनको हम प्रोडक्शन का नाम देंगे. सो नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज व्हाट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन या टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट या टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, आप कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, ये सारा कवर कर लेगा कि हम किन तरीके से, किन किन रिक्वायरमेंट के लिए प्रोडक्शन करते हैं. ओके, सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज, वह सबसे सिंपल जो इमीडिएटली हमारे दिमाग में आता है, दैट इज व्हाट, फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी, सॉरी, फॉर्म यूटिलिटी क्या हुआ, फॉर्म वर्ड पे ध्यान देंगे. फॉर्म वर्ड बिल्कुल क्लियर कर रहा होगा आपकी मीनिंग. फॉर्म यूटिलिटी का मतलब है कि भाई जो भी कुछ है अवेलेबल, कौन अवेलेबल है, सर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसकी फॉर्म चेंज कर देना. तो इट मींस कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. ओके, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज नोन एज व्हाट, फॉर्म यूटिलिटी. ओके, जैसे मैंने बताया ना कि भाई प्रोडक्शन के अलग अलग सिनेरियो होंगे, अलग अलग एरिया होंगे, तो वो कौन से एरिया होंगे उसकी बात हम कर रहे हैं. फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ, कि रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देंगे. एग्जैक्टली, ये आपका कवर होगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पॉइंट आप बोल रहे थे ना, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, वो इसके अंदर आएगा. मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इज व्हाट, फॉर्म यूटिलिटी. ठीक है, इसके अंदर आप जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, एग्जाम्पल अगर हम इसका लेकर देखें तो फॉर एग्जाम्पल स्टील इंडस्ट्री. ठीक है, इसके अलावा कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी गुड्स आप बना रहे हैं, लाइक शूज मेकिंग, पेन एटसेट्रा, जहां पर हमारे पास रॉ मटेरियल आता है और उसको हम यूटिलिटी के अकॉर्डिंग गुड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, दैट्स इट. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा निकल के आता है, सेकंड इज व्हाट, प्लेस यूटिलिटी. प्लेस वर्ड पर ध्यान देंगे. सर प्लेस का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली अगर हम प्लेस वर्ड की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन. क्या आ जाएगा इसमें, ट्रांसपोर्टेशन. सर मतलब ये हुआ, देखो अगर हम बात करें, कोई भी फैक्ट्री अगर स्टेब्लिश होती है, हमने मतलब प्रोडक्शन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो स्टेब्लिश करी. ओके, और किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो होगी वो किसकी होगी, वो रॉ मटेरियल की होगी. हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए. पेन बनाना है, कपड़े बनाने हैं, फर्नीचर क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होगी. अब ऐसा तो नहीं होता ना कि जहां पर हमने फैक्ट्री स्टेब्लिश करी है इमीजिएटली उसके बगल में ही हमें सारा का सारा रॉ मटेरियल मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल भाई मान लीजिए थर्मल पावर स्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम होता है, मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी है. अब थर्मल पावर स्टेशन में जो मेन रॉ मटेरियल है वो कौन सा है, बताइए. एग्जैक्टली वो कोल है, कोयला है, कि भाई वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें कोयले की जरूरत है.
तो भाई जहां थर्मल पावर स्टेशन बनाया बिल्कुल बगल में चारों तरफ क्या कोयला अवेलेबल होता है? ऐसा नहीं होता। थर्मल पावर स्टेशन अलग अलग जगह पर है, कोयले की जो खाने हैं, जो माइंस हैं, वो अलग हैं। तो डेफिनेटली उन माइंस से उठाकर, ठीक है, रॉ मटेरियल, कोयले की बात हम कर रहे हैं, उठाकर, ठीक है, हम ले जाते हैं कहां तक, ठीक है, कहां पर ले जाते हैं, आप थर्मल पावर स्टेशन तक। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, दैट इज व्हाट प्लेस यूटिलिटी, ठीक है, दैट इज व्हाट प्लेस यूटिलिटी, के हमने रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोवाइड कराया। ओके, ऐसे ही अगर हम प्लास्टिक की बात करें, अगर आपने कोई रॉ मटेरियल पेन बनाने की इंडस्ट्री सेटअप करी, तो आपको रेगुलर बेसिस पर पेन की जरूरत, सॉरी, प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी, तो वो सप्लाई होकर आपकी शॉप तक, आपकी फैक्ट्री तक आएगा। ऐसे ही बिल्डर्स हैं, घर बना रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल उन्हें चाहिए, सीमेंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, आपका स्टील चाहिए, तो सारा का सारा आसपास पड़ा हुआ है क्या? नहीं, वो उन्हें सप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, दैट इज व्हाट प्लेस यूटिलिटी, कि हम रॉ मटेरियल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाते हैं, ठीक है, और उसे फर्दर प्रोडक्शन के लिए प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज व्हाट फॉर्म, सॉरी, दैट इज व्हाट प्लेस यूटिलिटी। ओके, हाँ, आप कह सकते हो कि फॉर्म यूटिलिटी काफी हद तक प्लेस यूटिलिटी पर भी डिपेंड रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, थर्ड थर्ड पॉइंट इज टाइम यूटिलिटी, दैट इज व्हाट टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? गेस, नॉर्मली नॉर्मली उस टाइम पर रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराना जिस टाइम वो अवेलेबल नहीं होता। नॉर्मली उस टाइम पर रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराना जब वो अवेलेबल नहीं होता, इस प्रोडक्शन प्रोसेस को कहा जाएगा क्या? टाइम यूटिलिटी। सर, ये कैसी बात? मतलब नॉर्मली रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है और उस टाइम पर हम अवेलेबल करा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसको भी हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, जैसे माजा स्लाइस आपने सभी ने क्या कहते हैं पी होगी कभी ना कभी, ऑब्वियसली। अब सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई आपका स्लाइस है, माजा है, इनका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, मेन जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, वो मैंगो है, ठीक है, कि भाई उसको बनाने के लिए आम की जरूरत पड़ती है। अब हम गहराई में नहीं जाएंगे कि वाकई में आम होता है नहीं होता, ऑब्वियसली हमारी नॉलेज में क्या है कि मैंगो है। अब ऑब्वियसली माल, अब मैंगो का जो सीजन है वो कब आता है कि भाई वो सर गर्मियों के टाइम पे, आपका जून जुलाई अगस्त, 3-4 महीने ही जो आम का सीजन है वो रहता है। लेकिन जो माजा है, जो स्लाइस है, उसका जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन है वो क्या इन्हीं मंथ्स में चलता है? नहीं, वो थ्रू थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर उसका प्रोडक्शन चलता रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमें माजा है, स्लाइस है, इसका प्रोडक्शन करना है जनवरी में, दिसंबर में, फरवरी में। अब ऑब्वियसली उस टाइम पर तो मैंगो का सीजन नहीं होता ना, तो फिर कैसे होगा? यस, डेफिनेटली उस टाइम पर इन कंपनीज को मैंगोज प्रोवाइड कराना एज अ रॉ मटेरियल, इसी को कहा जाता है क्या? टाइम यूटिलिटी। सर, ये पॉसिबल कैसे है? डेफिनेटली कोल्ड स्टोरेज सिस्टम। भाई जब मैंगो का सीजन आया तो एक बड़े अमाउंट में मैंगो को स्टोर कर लिया गया कोल्ड स्टोरेज सिस्टम में, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट कंपनीज की तरफ से आती रहती हैं टाइम बींग नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, तब वहां से उस रॉ मटेरियल को निकाल कर कंपनीज को प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाट टाइम यूटिलिटी। के नॉर्मली नॉर्मली जब रॉ मटेरियल की प्रेजेंस नहीं होती है, मतलब सीजन नहीं होता है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होता उसका, और उस टाइम पर प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, आरएम लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है, व्हेन इट रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायरमेंट के टाइम पर। और एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम। ओके, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल देखा किसका, फॉर्म यूटिलिटी का, सॉरी क्या कहते हैं, टाइम यूटिलिटी का। लास्ट पॉइंट पर आते हैं, चार यूटिलिटीज होती हैं, चार प्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं, एंड द फोर्थ वन इज वेरी सिंपल। अगर हमने अभी तक तीन टॉपिक डिस्कस करे तो तीनों के तीनों कहीं ना कहीं गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड थे। फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को, गुड्स आ गया। प्लेस यूटिलिटी में ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दो एक सर्विस है, लेकिन हाँ, अगेन सेम थिंग, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से ज्यादा मिलता जुलता है। टाइम यूटिलिटी सेम, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना, ये भी इसी के अंदर आ गया। सो द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, सर्विस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट इसका, इसमें जितने भी आपके प्रोफेशनल हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, प्रोफेशनल
प्रोफेशनल सर्विसेज, इसमें आप लोग आ गए, सीएज आ गए, सीएमएज आ गए, सीएस आ गए, टीचर्स आ गए, मैनेजर्स आ गए, इंजीनियर्स आ गए, एटसेट्रा, ये सभी आपके कंसिडर होते हैं किसके अंदर, सर्विस यूटिलिटी के अंदर, मतलब इनके पास अपनी कोई पर्टिकुलर स्किल है, स्किल बेस्ड है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही आगे काम होता है। तो दोस्तों हमने यहां पर प्रोडक्शन के चार टाइप डिस्कस करे, द फर्स्ट वन इज व्हाट, फॉर्म यूटिलिटी, नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्लेस यूटिलिटी, उसके बाद टाइम था, उसके बाद क्या था, सर्विस था। फॉर्म में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का, कन्वर्जन ऑफ शेप, ठीक है। प्लेस में ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है से लेकर जहां पर उसकी जरूरत है उसका पूरा प्रोसेस, प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, नॉर्मली रॉ मटेरियल 12 महीने प्रोवाइड नहीं हो सकता, मतलब उसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता, लेकिन 12 महीने जरूर जरूर पड़ती है, तो जब प्रोडक्शन नहीं पॉसिबल और उस टाइम पे जरूरत है तो रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराना, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम का एग्जांपल मैंगो वाला हमने इसमें देखा। एंड लास्ट वन इज व्हाट, सर्विस यूटिलिटी, प्रोफेशनल स्किल के अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज देना, दूसरों को देना, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन। ओके दोस्तों, तो हमने यहां पर इन डिटेल डिस्कस करा कि प्रोडक्शन किन किन तरीके से होता है, इसकी यूटिलिटीज क्या होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे हम मूव करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक पर, दैट इज व्हाट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये टॉपिक फिलहाल अभी हम इन डिटेल नहीं करेंगे, ठीक है। मैं बस आपको बताऊंगा कि प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए, ऑल द मुझे भरोसा है कि आपको पहले से पता होगा कि कौन कौन से हमें फैक्टर्स चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, एंड उसके बाद हम अगले टॉपिक पर जाएंगे, प्रोडक्शन फंक्शन, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब वापस इस टॉपिक पर आएंगे। क्यों, तब तक आप इन सभी टॉपिक से फैमिलियर हो जाओगे, तो मुझे, मेरे जो एफर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और डेफिनेटली आपके आंसर पहले से ही तैयार होंगे कि इन सब फैक्टर्स में होता क्या क्या है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग डाल रहा हूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और एग्जैक्टली आप में से कई ने आंसर दे भी दिया है ऑलरेडी, प्रोडक्शन करने के लिए चार फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, चार मेजर फैक्टर्स, वो कौन कौन से हैं, यस सर, पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, फिर है कैपिटल, एंड द लास्ट इज एंटरप्रेन्योर। आप एंटरप्रेन्योर बोले या एंटरप्रेन्योरशिप बोले, एक ही बात है, ठीक है। होता क्या क्या है, ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इन डिटेल इनके फीचर्स जैसे मैंने बताया हम चैप्टर एंड में करने वाले हैं, फिलहाल नहीं। ओके, तो सबसे पहला फैक्टर क्या, लैंड, ऑब्वियसली जहां पर हम अपने यूनिट को, अपने फर्म को, अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करेंगे, जमीन वो हमें चाहिए, ठीक है, दैट इज व्हाट, लैंड। लेबर, जो लोग काम करेंगे ऑब्वियसली आकर, भाई बिना लेबर के, बिना एम्प्लॉयज के तो काम पॉसिबल नहीं है ना, तो जो हमें, हमें जो मैन पावर चाहिए, जो आपका लेबर फोर्स चाहिए, उसे कहा जाता है क्या, आपका लेबर। ओके, मेन फैक्टर हुआ। कैपिटल, ऑब्वियसली मनी, भाई हमें इतनी सारी चीजें मैनेज करनी है, रॉ मटेरियल परचेस करना है, मशीन परचेस करनी है, बिल्डिंग परचेस करनी है, ये तमाम चीजें, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, तो सब फ्री में नहीं होगा, इसके लिए अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए, तो मनी स्टैंड्स फॉर व्हाट, कैपिटल, ठीक है, ये मेन फैक्टर हुआ। एंड फाइनली ये तीनों फैक्टर, लैंड, लेबर और कैपिटल, अगर हमें मिल भी जाएं तब भी एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, जब तक ना हो कौन सा, एंटरप्रेन्योरशिप, फोर्थ फैक्टर। मतलब सर देखो, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर दो वर्ड कवर हो जाते हैं, एक ओनर और एक क्या, मैनेजमेंट, ठीक है। ओनर ऑब्वियसली जो उस पूरे के पूरी कंपनी को, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को संभाल रहे हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, जिन जो हेड है एक तरीके से, ओनर्स, ठीक है, वो भी कुछ काम करते लेकिन सारा नहीं कर पाते, तो उन्होंने मैनेजर्स रखे हुए हैं, दीज आर व्हाट, मैनेजमेंट। ओके, तो मैनेजमेंट है, ओनर है, ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इस बिजनेस को किस ओर ले जाना है, हमें क्या क्या टारगेट्स जो है वो अचीव करने हैं, ठीक है, हमें इस साल कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी मशीन यूज करनी, कौन सी स्ट्रेटजी बनेगी, कौन सी पॉलिसी बनेगी, तो एक तरह से बिजनेस को शेप देने का काम वो किसका होता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप, ओनर एंड मैनेजमेंट का होता है। तो ये एक फोर्थ मेन फैक्टर हमारे सामने निकल कर आया, चार फैक्टर जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, चारों चाहिए, ये नहीं कि तीन से काम चल जाएगा, दो से काम चल जाएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, और इन डिटेल अगर हम बात करें तो यहां पर हम इसके फैक्टर्स अभी नहीं करने वाले हैं, हम ये बाद में करने वाले हैं अपने टॉपिक को, प्रोडक्शन फंक्शन को फिनिश करने के बाद। ओके, तो दोस्तों अभी तक हमने दो टॉपिक डिस्कस करें, पहला क्या था, प्रोडक्शन की मीनिंग,
इन्हें हमने देखी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, चार पार्ट उसके आगे फॉर्म प्लेस टाइम एंड सर्विस। और अभी हमने डिस्कस करा क्या, सिर्फ फैक्टर्स के बारे में ओवरव्यू लिया, चार फैक्टर चाहिए लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके आइए अब बढ़ते हैं अगले मेन टॉपिक पर इस चैप्टर के, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोडक्शन, एक वर्ड इसके साथ हम लगा देंगे, फंक्शन, दैट इज व्हाट, प्रोडक्शन फंक्शन। ओके तो प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, देखो सबसे पहले तो अगर ये मैंने शायद पता नहीं आपको पहले बताया था, नहीं पता, डिमांड फंक्शन में शायद हमने एक टॉपिक किया था कि अगर फंक्शन वर्ड जुड़ जाता है, अगर फंक्शन वर्ड जुड़ जाता है किसी भी वर्ड के साथ, तो फंक्शन वर्ड प्रेजेंट कर रहा है किसको, रिलेशनशिप को, किसको, रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप किसके बीच में, जो पहले वाला वर्ड है प्रोडक्शन और उसके फैक्टर्स, ठीक है, जो पहले वाला वर्ड है प्रोडक्शन और उसके फैक्टर्स। तो सिंप्लीफाई करने पर प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन ये बन गई, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड, प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन। ओके इसमें देखो दो मेन वर्ड हमारे आए, एक मैंने क्या बोला प्रोडक्शन और एक फैक्टर्स। ओके यहां पर अगर हम बात करें ये क्या है आउटपुट और ये क्या है इनपुट। ओके सर मतलब क्या हुआ, इनपुट है आउटपुट है, डेफिनेशन आपने लिख दी, देखो डेफिनेशन तो देखो क्लियर हो जानी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन फंक्शन, फंक्शन वर्ड किसको प्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन वर्ड प्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप को, ठीक है, किसके बीच की रिलेशनशिप, जो पहले वाला वर्ड है यानी कि प्रोडक्शन और उसी के फैक्टर्स, प्रोडक्शन एंड इट फैक्टर्स। सो डेफिनेशन क्या बनी, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन। उसके बाद अब इस डेफिनेशन का हम जरा ऑपरेशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या है आउटपुट और फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ इनपुट। मतलब देखो अगर हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि हमें लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप ये सारे के सारी चीजें चाहिए, इन्हीं को आगे चल के फर्दर हम मशीन में रॉ मटेरियल में लेबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और इन सभी चीजों को हम नाम देते हैं क्या इनपुट। ओके इनपुट बोले फैक्टर बोले एक ही बात है, प्रोडक्शन करने के लिए जो हमने लगाया है, ठीक है, दैट इज व्हाट इनपुट। ओके अब नेक्स्ट ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक साथ काम करते हैं, लैंड लेबर कैपिटल, प्रोडक्शन शुरू होता है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है, पैकिंग होती है, बिकता है सामान मार्केट में जाके, तो ये सब प्रोसेस कैसे पॉसिबल है जब हमने कुछ ना कुछ इनपुट लगाया, रॉ मटेरियल मशीन वगैरह लेबर वगैरह इंट्रोड्यूस करें। अब ये सारी की सारी चीजें मिलकर एक साथ काम करती हैं तभी कुछ ना कुछ बनता है और उसी को क्या कहा जाता है आउटपुट, उसी को क्या कहा जाता है आउटपुट। अगर मैं रॉ मटेरियल में चेंज करूं तो आउटपुट पर असर पड़ेगा, अगर मैं लेबर बढ़ा दूं या कम कर दूं तो आउटपुट पर असर पड़ेगा, मशीन पहले से ज्यादा कर दी या कम कर दी तो आउटपुट पर असर पड़ेगा, इन शॉर्ट कुछ भी चेंज होगा, कुछ भी वेरिएशन आएगी इनपुट में तो उसका असर किसके ऊपर पड़ता है आउटपुट के ऊपर पड़ता है। तो इन शॉर्ट आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट इनपुट। तो इसीलिए हम कहेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप है, प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, प्रोडक्शन रिलेशन प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड इट्स फैक्टर्स। ओके तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन चलेगी, मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन तो आप खुद भी अपने वर्ड्स में फॉर्म कर सकते हो, हाँ कंसेप्ट वो क्लियर होना चाहिए। तो हम दो चीजों को डिस्कस करते हैं इसमें, वो क्या, एक आपका प्रोडक्शन और उसके फैक्टर्स, समझ आ गया, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमने यहां पर प्रोडक्शन की बात कर ली कि प्रोडक्शन क्या होता है, हमने उसके फैक्टर्स की बात कर ली कि भाई फैक्टर्स हमें प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से चाहिए, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या होता है, ये हमें पता चला कि इनपुट और आउटपुट की रिलेशनशिप होती है। अब आते हैं सबसे मेन कड़ी पर जो जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो क्या है, द हेडिंग इज लॉज ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज व्हाट लॉज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के रूल्स, प्रोडक्शन करने के नियम क्या क्या हैं। ओके
सर प्रोडक्शन करने के रूल्स, यस एग्जैक्टली, अगर आप कोई भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, उसे चलाना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं, तो आपको कई सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी जो बिजनेस है वो एक अच्छी पोजीशन में जाकर खड़ा होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें लॉज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कि अगर आप कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हैं, एंगेज्ड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो बिजनेस को, प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं। ओके, तो नेक्स्ट लॉज ऑफ प्रोडक्शन, आइए ध्यान देते हैं। देखो, मान लीजिए सपोज आपने कोई प्रोडक्शन शुरू किया, आपने कोई भी प्रोडक्शन शुरू करा, प्रोडक्शन शुरू करने पर आप क्या सोचते हैं कि इमीडिएटली यार मतलब हमें ये बिजनेस छोटे टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए चलाना है, ये लंबे टाइम के लिए हम इसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लेकर चलेंगे कि भाई यार हमें 9, 10 साल, 12 साल, 20 साल, 50 साल ये बिजनेस करना है, बताइए क्या रहता है आपके माइंड में। हाँ जी, दोबारा से क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दूं, अगर आप अपना कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, तो आप जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्लानिंग है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि ये बिजनेस पहले आपको शॉर्ट टर्म में चलाना है, छोटे टाइम के लिए चलाकर देखेंगे इसको, ठीक है, या फिर ये बिजनेस हमें लॉन्ग टर्म में लेकर जाना है, लॉन्ग टर्म तक चलाना है, 40-50 साल, उस हिसाब से प्लानिंग करोगे, बताइए लॉन्ग टर्म के बिहाफ से प्लानिंग होगी, शॉर्ट टर्म के बिहाफ से होगी, बताइए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोस्टली जो रिस्पॉन्स है वो है सर हम बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें होने वाली इन्वेस्टमेंट, उसमें होने वाले डिसाइड होने वाले ऑब्जेक्टिव, उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस हमेशा शॉर्ट टर्म के हिसाब से होता है। सर ये आप क्या कह रहे हैं कि हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं ये सोचकर कि हमें छोटे टाइम के लिए चलाना है? नहीं दोस्तों, बिजनेस शुरू तो इसीलिए ही हुआ है कि हमें लंबे टाइम तक चलाना है, कि पॉजिटिव थिंकिंग ऑब्वियसली, ठीक है, कि हम लंबे टाइम तक बिजनेस को करेंगे। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने की, तो सबसे पहले बिजनेस का, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ये ऑब्जेक्टिव, ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म बेसिस की होगी, ये इन्वेस्टमेंट किसकी, शॉर्ट टर्म बेसिस की होगी। क्योंकि जब हम पहले अपने आप को शॉर्ट रन में सेटअप कर पाएंगे, शॉर्ट रन में खड़ा कर पाएंगे अपने बिजनेस को, तो ऑब्वियस सी बात है तभी तो हम लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगे। आप मान लीजिए, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर रहा हूं मैं, आपने एक फैक्ट्री स्टार्ट करी, और फैक्ट्री सपोज क्या कहते हैं, क्लोथ्स मेकिंग की, शर्ट बनाने की एक फैक्ट्री आपने शुरू करी, तो क्या पहले दिन ही आप 10-10, 20-20, 40-40 मशीनें लगा दोगे? क्या पहले ही दिन आप एक पूरी की पूरी बिल्डिंग लीज पर ले लोगे? क्या पहले ही दिन आपने 1000 वर्कर को अपने बिजनेस में एंगेज कर दिया? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आपका पॉजिटिव थॉट है कि मैं ये बिजनेस लॉन्ग रन में जाए, लंबे टाइम तक जाए, मुझे प्रॉफिट हो, लेकिन ऑन द डे वन जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, अपने लेबर्स को अरेंज करेंगे, तो पर्पस रहेगा कि नहीं यार 10-12 मशीन नहीं, अभी हम 2-3 मशीन से ही काम करेंगे, मुझे 1000 लेबर नहीं चाहिए, मैं अभी 5-10 लेबर से ही काम करूंगा, ठीक है, मुझे पूरी की पूरी बिल्डिंग नहीं चाहिए, मुझे एक फ्लोर अगर मिल जाए, एक एरिया छोटा सा अगर मिल जाए, तो मैं अपना काम शुरू कर रहा हूं। ओके, काम करना लॉन्ग रन में है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट होगी स्टार्टिंग में, तो पहले आप क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ टाइम तक बिजनेस को चलाकर देखा जाएगा, यह पता लगाया जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा। जब शॉर्ट रन में आप प्रॉफिट अर्न करने लगेंगे तो ऑब्वियस है तब आप उस शॉर्ट टर्म वाले बिजनेस को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। इमीडिएटली जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो ऑब्जेक्टिव होगी, लॉन्ग टर्म वाले नहीं होंगे। स्टार्टिंग में हम पहले स्टेप बाय स्टेप एज पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से चलेंगे, शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबल लगा, लॉन्ग रन में चले जाएंगे, दैट्स इट। ओके, तो याद रखिएगा, कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट हो, सेटअप हो, फर्स्ट स्टेप इज कि भाई शॉर्ट टर्म में करके देखिए, प्रॉफिटेबल होगा तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको लॉन्ग रन में कन्वर्ट करेंगे, और अगर हमने लॉन्ग रन के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट कर दी और शॉर्ट रन में लॉस हो गया तो हमारे सारा का सारा पैसा डूब जाएगा, तो पहले छोटे टाइम के लिए चलाकर देखेंगे। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग लॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या कहते हैं, डिवाइड हुए हैं। एक वो लॉ जो हम फॉलो करते हैं किसमें, शॉर्ट रन में, छोटे टाइम के बिजनेस में, और एक वो जो हम यूज करते हैं, जो अप्लाई करते हैं किसमें, लॉन्ग रन में। ओके, नेक्स्ट सर ये कौन कौन से हैं, देखो शॉर्ट रन में जो लॉ अप्लाई होता है, दैट इज व्हाट, रिटर्न टू अ फैक्टर, उसे क्या कहा जाता है, रिटर्न टू अ फैक्टर, और जो लॉ लॉन्ग रन में अप्लाई होता है वो होता है रिटर्न टू अ स्केल। ओके, अब आगे नेक्स्ट
चाहे आप शॉर्ट रन में काम कर रहे हैं या लॉन्ग रन में काम कर रहे हैं, ओके, हमें प्रोडक्शन करने के लिए दो तरह के फैक्टर्स की जरूरत होती है, चाहे आप शॉर्ट रन में हैं चाहे आप लॉन्ग रन में हैं। तो आपको प्रोडक्शन करने के लिए दो तरह के फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। द फर्स्ट इज फिक्स्ड फैक्टर, सॉरी, अनदर इज वेरिएबल फैक्टर। सेम ऐसे यहां पे एफ एफ वी एफ, फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर, ओके। नेक्स्ट, अब यहां पर सर ये क्या है, फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर क्या है? देखो, अभी मैं नेचर के हिसाब से, मैं प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं बता रहा हूं फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, मैं इनके नेचर के हिसाब से बता रहा हूं कि फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, ओके। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी बताइए? अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपका कोई भी बिजनेस है, लाइक क्लोथिंग का है या क्या कहते हैं शूज बनाने का, पेन बनाने का, व्हाटएवर, कुछ भी, तो ऑब्वियस सी बात, बताइए आपको कौन कौन से फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। सर मेन फैक्टर तो वही है, लैंड लेबर कैपिटल, ठीक है, इनको थोड़ा और क्लासिफाई कर लेते हैं। सर हमें मशीन चाहिए, ओके, हमें लेबर चाहिए, ओके, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे सामने होने चाहिए, तभी प्रोडक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। मैं इनमें से दो एग्जांपल को लेकर चल रहा हूं, एक क्या मशीन और एक क्या लेबर, ओके। एक तरफ मैंने क्या ज्यूम करा, मशीन, एक तरफ क्या ज्यूम करा, लेबर। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, मशीन में और लेबर में क्या फर्क है बताइए? सर मशीन मशीन होती है, लेबर लेबर होता है। अरे वाह, माय गॉड, क्या आपने डिफेंस दिया, बहुत बढ़िया। सर क्या कहते हैं, जो मशीन है वो नॉन लिविंग है और लेबर लिविंग है। अरे वो तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसके अलावा दोनों में क्या फर्क है, ध्यान देंगे। अगर हम मशीन की बात करें, व्हाट इज मशीन, मशीन इज अबाउट डेफिनेटली नॉन लिविंग थिंग, लेकिन अगर मशीन की कॉस्ट की बात करें, ठीक है, यहां थ्री डेट वाली डेफिनेशन मत लेके आ जाना, मशीन वो रेंचो वाली नहीं, ठीक है, मशीन की अगर हम बात करें तो मशीन का मतलब है कि हमें एक ज्यादा इन्वेस्टमेंट, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर पर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, मतलब मशीन आप एक दिन परचेस करके ले आए, दैट्स इट, वो मशीन आपकी हो गई, अब आपको दोबारा उससे रिलेटेड कोई खर्चा नहीं करना है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब आप बेनिफिट उसका लंबे टाइम तक देखेंगे, एक बार आपने मशीन परचेस करी, बेनिफिट आपको लंबे टाइम के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन लेबर पर खर्चा कैसे होता है, रेगुलर बेसिस पर, मंडे आया सैलरी दी, ट्यूजडे आया सैलरी दी, वेडनेसडे नहीं आया नहीं दी, थर्सडे आया फिर दी, तो रेगुलर बेसिस पर खर्चा हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, मशीन पर जो अमाउंट इनकर्ड होता है नॉर्मली ज्यादा होता है, मशीन महंगी आती है, ठीक है, लेबर ऑन अ चीप रेट, मतलब क्योंकि आप उसको डेली बेसिस पर खर्चा दे रहे हो, डेली बेसिस पर उसकी वेज पे कर रहे हो, तो एज कंपेयर टू कैश आउटफ्लो, हमारे पास से कितना पैसा गया उसके अकॉर्डिंगली मशीन पर ज्यादा पैसा जाता है, लेबर पर रेगुलर बेसिस पर है, वर्किंग कैपिटल है तो कम अमाउंट में जाता है। मशीन को हम इजीली बड़ा घटा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उसका कॉस्ट ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेबर चल जाता है, ठीक है, यार 10 लेबर है, कल 12 चाहिए हो जाएगा, 15 चाहिए हो जाएगा, यार अब 8 ही चाहिए, कम कर दो, चलता है, ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें मशीन और लेबर को अगर हम क्लासिफाई करें, तो मशीन क्या होता है दोस्तों, फिक्स्ड फैक्टर, मशीन क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है आपका, लेबर। अब यहां पर अगर हम मीनिंग को हम समराइज करें, फिक्स्ड फैक्टर, ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोस फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोस फैक्टर्स विच आर इन्वेस्टेड बाय ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज अमाउंट, ठीक है, विच आर इन्वेस्टेड बाय अ ह्यूज अमाउंट, हमें एक बहुत बड़ा पैसा उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, एंड बेनिफिशियल फॉर अ लॉन्ग पीरियड, उनका बेनिफिट हमें लंबे टाइम के लिए मिलेगा, ओके। तो दो चीजें आ गई, ठीक है, दो चीजें हैं सिर्फ, एक क्या इन्वेस्टमेंट जो पैसा हमने लगाया, और दूसरा उसका बेनिफिट, पैसा ज्यादा लगेगा और बेनिफिट लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा, ओके। और अगर हम वेरिएबल फैक्टर की बात करें, तो वेरिएबल फैक्टर सेम दो चीजें कि भाई इनमें पैसा तो कम लग रहा है, इन्वेस्टमेंट मतलब सीधी सी बात है कम है, लेकिन इनका बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिलता। एक लेबर को 500 रुपए एक दिन के दिए तो वो सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा, फिर फिनिश, 500 रुपए उसके जो खत्म हो गए, ओके। इन पर रेगुलर बेसिस पर खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तो चाहे आप शॉर्ट रन में हैं चाहे आप लॉन्ग रन में हैं, आपको मशीन्स भी चाहिए और आपको लेबर भी चाहिए, शॉर्ट रन में भी लॉन्ग रन में भी। मशीन की अगर हम बात करें, फिक्स्ड फैक्टर, इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेनिफिट भी ज्यादा, वेरिएबल फैक्टर लेबर खर्चा कम है लेकिन बेनिफिट भी उसी हिसाब से कम है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मान लीजिए अब इनका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हम लॉज ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, हम किस तरीके से प्रोडक्शन के रूल्स को क्लासिफाई करते हैं, ओके, ध्यान देंगे भाई। अगर हम बात करें, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू करा, ठीक है, अभी बिल्कुल नए हैं आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं है,
ठीक है, आप मान लीजिए आपने क्लोथ मेकिंग, कपड़े बनाने का, शर्ट्स बनाने का काम शुरू करा, ठीक है, हाँ ये वाली बनानी है बिल्कुल आपने जो मैंने पहनी हुई है। भाई अगर आप शर्ट बनाने का काम शुरू कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, सेम चीज आपको जैसे मैंने बताया अभी कि आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आपको शॉर्ट टर्म तक के लिए काम करना है, ठीक है, पहले शॉर्ट टर्म में बिजनेस को चला के देखेंगे। सो ऑन द डे वन बताइए 10 मशीनें, 15 मशीनें, ठीक है, 40 400 500 लेबर, पूरी बिल्डिंग फ्लोर, नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं सर, पहले छोटे लेवल पर काम करेंगे, हम एक मशीन लेकर आए, ठीक है, दैट्स इट, हमने एक छोटा सा एरिया जो है वो लीज पर, रेंट पर ले लिया बिल्डिंग का काम चलाने के लिए, ठीक है, और कुछ एक दो लेबर हमने रख लिए ताकि वो काम करते रहें और जैसे जैसे मार्केट में डिमांड आती रहेगी, ठीक है, और हम उसका हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, अभी तो फिलहाल जीरो ही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सपोज तो अब हम दोबारा से रिवाइज करने वाले हैं, एक मशीन आ गई, ठीक है, आपने एक मशीन रखी है, इसको समझिएगा एग्जाम्पल को, क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोडक्शन। एक मशीन आपने रखी है, आपने एक दो लेबर रख लिया फिलहाल स्टार्टिंग में काम करने के लिए, ठीक है, मैं ये, और बिल्डिंग ले ली है आपने रेंट पे, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि जो मशीन आपने बाय करी है वो एक दिन में 20 घंटे चल सकती है, कितना, 20, 18, 18 से 20 घंटे चल सकती है, उससे ज्यादा चलाओगे तो उसकी लाइफ पर असर पड़ेगा, 4-5 घंटे का रेस्ट मशीन को भी चाहिए, ओके। अब ये बात आपको नहीं पता, ओके, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 20 आवर्स है, लेकिन ये बात आपको नहीं पता, क्यों, आप तो आज ही आए हैं ना मशीन को लेकर अपने बिजनेस में, आपको थोड़ी ना आइडिया उस चीज का। तो ध्यान दें, अब स्टार्टिंग में काम शुरू हुआ, डिमांड आपके पास आई, लेबर जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने एज्यूम करा कि एक मशीन आपने लगा दी है और दो लेबर सपोज उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम एक भी रख सकते थे, मैं दो मान के चल रहा हूं। थोड़ी थोड़ी डिमांड आई, अब यहां पर लेबर ने काम शुरू करा, अच्छा मेन काम क्या है, मेन काम क्या है मशीन के ऊपर, कि हमें कपड़े की कटिंग करनी है, ओके, हमें कपड़े की कटिंग करनी है, रॉ मटेरियल जो है मेन एक तरह से देखा जाए तो वही है, और डिजाइन तैयार करना है, ठीक है, उसके बाद फिर उसको मशीन के अकॉर्डिंग शेप देनी है, शर्ट तैयार करनी है, और फाइनली पैकिंग करनी है। तो कितने काम हो गए भाई, 4 काम हो गए, ओके, एक क्या, रॉ मटेरियल की कटिंग अकॉर्डिंग टू साइज, एक डिजाइनिंग वाला हो गया, एक मशीन को, एक शर्ट्स को तैयार करना, और लास्ट क्या, पैकिंग, 4 काम हो गए। कितने लेबर काम कर रहे हैं, कितने लेबर काम कर रहे हैं सर, अभी 2 ही लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी डिमांड कम है। अब मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, अगर 2 ही लेबर काम कर रहे हैं तो क्या मशीन 20 के 20 घंटे चला देंगे वो, नहीं सर, 2 लेबर है ना, उनकी काम करने की एफिशिएंसी 8-9 घंटे एक दिन में, ठीक है, और जब वो कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जब वो डिजाइन तैयार कर रहे हैं, जब वो पैकिंग कर रहे हैं, तब मशीन थोड़ी ना चल रही है, मशीन तो कब चलेगी, जब शर्ट को तैयार करेंगे, तो 8-9 घंटे मुश्किल से पूरा काम होता है, उसमें से भी जो मशीन है मुश्किल से 3 आवर्स चल पाती है, ठीक है, 3 से 4 घंटे चल पाती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब हमने काम, डिमांड और आई हमारे पास भाई, जो हमारी शर्ट से मार्केट में अच्छी लगी लोगों को, तो प्रोडक्शन हमें बढ़ाना चाहिए। अब प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए तो बताओ क्या करूं, एक और मशीन ले आऊं, एक और मशीन ले आते हैं ना, सही बात है, ठीक है, भाई काम बढ़ रहा है, एक और मशीन ले आए, ला दूं, नहीं सर, अभी कैसे, अभी तो ऑलरेडी 3 ही आवर्स का काम हो रहा है ना मशीन के ऊपर, आप, और हमारी जो मशीन है वो चल सकती है ज्यादा, ठीक है, ज्यादा कितना आपको नहीं पता, पर हाँ ज्यादा चल सकती है। आपने क्या करा है, मशीन वही रखते हैं, लेबर बढ़ा देते हैं, 3 आ गए, ठीक है, अब 2 मशीन 2 लेबर 3 आवर्स चला रहे थे, तो सीधी सी बात है जो 3 लेबर है वो कितनी देर तक चलाएंगे, अब यहां पर ये 6 आवर्स हो जाएगा, ठीक है सर, ऐसे कैसे 2 चला रहे हैं 3 आवर्स के लिए, तो 4-5 घंटे चलना चाहिए था, आपने डबल कर दिया एक लेबर से, हाँ बिल्कुल। दोस्तों देखो इसका रीजन क्या है, अगर सचिन तेंदुलकर को बोल दिया जाता कि भाई बैटिंग भी तुझे ही करनी है, बॉलिंग भी तुझे ही करनी है, और सीधी सी बात है क्या कहते हैं, आपको फील्डिंग का भी दारोमदार आपके ऊपर रहेगा, या जहीर खान को बोल दिया जाता कि भाई क्या कहते हैं, अब तो खैर नए नए प्लेयर आ गए, मैं नाम पुराने वाले ले रहा हूँ, जहीर खान, ठीक है, कि भाई आपको भी बॉलिंग करनी है, बैटिंग भी आपको करनी है, फील्डिंग भी आपको संभालनी है, तो क्या उन्हें कोई जान पाता, नहीं, ऑब्वियसली एक टीम में काम डिवाइडेड है, कि बैटिंग की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और फील्डिंग की जिम्मेदारी स्पेशली इन लोगों के ऊपर रहेगी, ठीक है, और बॉलिंग की जिम्मेदारी सेलेक्टेड 3-4 बॉलर्स के ऊपर रहेगी, तो काम डिवाइड हो जाता है, तभी टीम अच्छा परफॉर्म करती है और जीतती है, ठीक है। ऐसे यहां पर हुआ, पहले चारों पांचों काम जितने भी थे हमारे वो कितने, 2 लेबर करते थे, लेकिन जब तीसरा लेबर आया तो काम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, काम डिवाइड हो जाएगा तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा तो प्रोडक्शन पहले से कहीं ज्यादा होगा, राइट, ओके। भाई एक लेबर को बोल दिया भाई तू मशीन पे खड़ा रही हो, तेरे को कटिंग होकर सारा रॉ मटेरियल मिल जाएगा, डिजाइन मिल जाएगा, आपका काम सिर्फ शर्ट्स बनाने का है, पैकिंग वैकिंग हम देख लेंगे, तो सीधी सी बात है काम डिवाइड हुआ तो वर्क एफिशिएंसी क्या हो गई, बढ़ गई, ओके, वर्क एफिशिएंसी क्या हो गई, बढ़ गई। ऐसे ही और डिमांड आई हमारे पास, मशीन बढ़ा दूं,
बढ़ा दूं मशीन? नहीं सर, अभी क्यों बढ़ा रहे, अभी तो बहुत टाइम है। एक मशीन, लेबर चार हो गए, तो अब भाई यहां पर टाइमिंग और ज्यादा बढ़ जाए, काम और ज्यादा डिवाइड हो गया, 10 आवर्स हम प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही काम और बढ़ा, ठीक है, मशीन हमने, एक मशीन है हमने 5 लेबर लगाए, एक मशीन है 6 लेबर लगाए। अब मैं सपोज एज्यूम कर रहा हूं कि 6 लेबर पर जो मशीन है वो 18 घंटे चल रही है, ठीक है, और 18 घंटे लिमिट थी हमारी, ठीक है, 18 से 20 घंटे मैंने बोला था, 18 घंटे लिमिट थी, ठीक है। अब मान लीजिए, मार्केट में और काम आया, हमारे पास और रिस्पॉन्स आने लगा, तो हम क्या करेंगे, क्या करा भाई आपने, क्या करा, एक मशीन और 7 लेबर लगा दिए और मशीन अब 22 आवर्स चलने लग गई। ऑब्वियस सी बात है भाई, लेबर बढ़ा दी ना आपने, मशीन अब पहले से ज्यादा चलेगी। अब आप नोटिस करोगे, इस टाइम पर आप नोटिस करोगे क्या, कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है कि जो मशीन, ये लेबर जब से आया ना, 7वां लेबर, इसके आने के बाद से मशीन का टाइम 22 आवर्स पर पहुंच गया, लेकिन मशीन रॉ मटेरियल ज्यादा वेस्ट करने लग गई है। रॉ मटेरियल जो है, सॉरी, जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं हो रहा है, जो खर्चा है ऑयलिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, मशीन का बहुत ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, कि हमने मशीन के ऊपर लेबर हद से ज्यादा लगा दी, उसकी इफिशियंसी ज्यादा लगा दी है। तो ये 7वां लेबर नहीं लगना चाहिए, ये 7वां लेबर नहीं लगना चाहिए, आपका डिसीजन ये हुआ। तो बताओ क्या करें, अब 7वां लेबर लगा रहे हैं तो मशीन खराब हो रही है, लेकिन मार्केट से डिमांड आ रही है और डिमांड मना कर दे, नहीं भाई हमारी मशीन भाई झेल नहीं पा रही, अब टाटा बाय, हम आपका जो आपकी डिमांड है पूरी नहीं कर सकते, करना चाहिए ऐसा? नहीं। यस फ्रेंड्स, दिस इज द मोमेंट, इस मोमेंट पर आप डिसाइड करोगे कि आपको शॉर्ट रन से जाना है किसमें, लॉन्ग रन में, ठीक है। आपका बिजनेस अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि स्टार्टिंग में जो फैक्टर्स मैंने लगाए थे, एक मशीन लगाई थी उसका फुल इफिशियंट यूज हो रहा है, खूब प्रोडक्शन हो रहा है, मार्केट में डिमांड आ रही है और फर्दर आ रही है, तो क्या हम अपना प्रोसेस यहीं तक रोक दें? नहीं। एट दिस मोमेंट, इस लेवल पर आकर आप अपने शॉर्ट रन को कन्वर्ट करते हो किसमें, लॉन्ग रन में। एक मशीन और 6 लेबर आपके पास तो पहले से ही थे, अब 2 मशीन हो जाएंगी, लेबर कितने, 7 कर दूं या 8 कर दूं? नहीं सर, इमीडिएटली क्या 6 लेबर और आएंगे, काम शुरू होगा। क्यों शुरू होगा यार, शॉर्ट रन में आपने यही तो सीखा था, जब एक मशीन आई और 2 लेबर आए तब थोड़ी ना आपको नॉलेज थी कि यार एक मशीन पर कितने लेबर चाहिए, यही तो आपने सीखा शॉर्ट रन में। आप नए थे, आपको नहीं पता था कितनी मशीन चाहिए, आपको नहीं पता था कितने लेबर सूटेबल रहेंगे, आपको नहीं पता था रॉ मटेरियल किस क्वांटिटी में लेना है। शॉर्ट रन में आपने यही सब सीखा कि एक मशीन पर 2, 3, 4, 5, 6 लेबर सही रहेंगे, 7वें लेबर से काम खराब हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। तो भाई एक मशीन 6 लेबर, 2 मशीन आ गई, 12 लेबर सीधा काम शुरू करिए ऑन द डे 1। यहां पर नहीं हुआ मशीन का फुलर यूटिलाइजेशन डे 1 से, लेकिन यहां पर आप डे 1 से अपनी मशीन का फुलर यूटिलाइजेशन करेंगे। क्यों? अब आपको नॉलेज है, शॉर्ट रन से आप सीख कर आए हो, शॉर्ट रन से आप एक्सपीरियंस गेन कर कर आए हो। ऐसे ही तीसरी मशीन 18, 4th 24, तो इस तरीके से जो आपके फैक्टर्स हैं वो रिटर्न टू स्केल में चेंज होंगे। ओके, सो दैट इज द लॉ ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, किन किन चीजों को सीख कर चलना होता है, वो हमने यहां पर देखा। आओ इसको समराइज करें, यहां पर मैं इसको हटा देता हूं, 7th लेबर, इसको कंसेप्ट आपको होप क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर जो एक और चीज मुझे ध्यान देनी है वो क्या है, 1:2, 1:3, 1:4, बार बार रेशो क्या हो रही है, बार बार रेशो चेंज हो रही है। तो यहां पर इस चीज को मैं नाम देता हूं वेरिएबल प्रपोर्शन, क्या नाम देता हूं, वेरिएबल प्रपोर्शन, रेशो बार बार चेंज हो रही है। और यहां पर 1:6, 2:12, 3:18, अगर आप यहां पे डिवाइड करोगे, 1:6 ओके है, 2:12 को करोगे तो 1:6 आएगा, 3:18 को करोगे 1:6 आएगा, हर बार रेशो क्या आएगी, सेम आएगी, दैट इज नोन एज व्हाट, कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, इसे क्या बोला जाएगा, कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। तो जो लॉ आपका अप्लाई होता है शॉर्ट रन में, उसे हम नाम देते हैं क्या, रिटर्न टू फैक्टर, उसे हम क्या नाम देते हैं, रिटर्न टू फैक्टर, और वो वेरिएबल प्रपोर्शन पर बेस्ड होता है। ठीक उसी तरह जो लॉ आपका यूज होता है लॉन्ग रन में, उसे हम नाम देते हैं क्या, रिटर्न टू स्केल, और ये बेस्ड होता है कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन पर। लॉन्ग रन में हो, शॉर्ट रन में हो, फिक्स फैक्टर चाहिए, वेरिएबल फैक्टर चाहिए।
फिक्स्ड फैक्टर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, बेनिफिट भी ज्यादा है। वेरिएबल फैक्टर इन्वेस्टमेंट कम है, बेनिफिट भी शॉर्ट टर्म के लिए है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन करने के लिए रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, हम वन बाय वन आने वाली क्लासेस में एक बार डिस्कस करेंगे रिटर्न टू फैक्टर को, एक बार रिटर्न टू स्केल को, उसके बाद ये टॉपिक हमारा डन होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं आपसे, हम कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन और लॉ ऑफ वेरिएबलाइजेशन शुरू करने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।